नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि गलती कोई करे और उसका खामियाजा यानी उसका नुकसान आपको उठाना पड़े? मुझे लगता है आप ये तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है इस साल बोर्ड की गलती के कारण यानी CBSE बोर्ड की गलती के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हुआ कुछ ऐसा है कि बोर्ड ने जो आंसर शीट प्रिंट करवाई है उसमें जो रोल नंबर के कॉलम होते हैं वो 7 कॉलम दिए, मतलब 7 डिजिट के रोल नंबर के लिए ही कॉलम्स बनाए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि रोल नंबर उन्होंने 8 डिजिट के दे दिए हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि रोल नंबर 7 डिजिट के आते थे, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो। लेकिन इस बार से क्या किया, उन्होंने 8 डिजिट का रोल नंबर दे दिए। अब कॉपी तो पहले प्रिंट हो चुकी है, अब इतनी सारी करोड़ों में जो कॉपी प्रिंट हुई है अब उसको रीप्रिंट तो कर नहीं सकते। तो अब उसके लिए क्या उपाय करें ताकि कॉपी वही काम आ जाए और रोल नंबर 8 डिजिट का हो जाए। तो इसके लिए जो उन्होंने गाइडलाइन दी है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उस 8 डिजिट के रोल नंबर को उस 7 डिजिट के कॉलम में किस प्रकार से फिट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए या आपने कोई गलती कर दी तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। आपका ही रोल नंबर लेट होगा, आपका ही हो सकता है आपका रोल नंबर ना भी आए, हो सकता है आपका रिजल्ट रुक जाए। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार जो डिजिट उन्होंने एड किए वो 1 या 2 डिजिट है, यानी आपका रोल नंबर या तो 1 से स्टार्ट हो सकता है या 2 से स्टार्ट हो सकता है, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। हो सकता है कि 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो और 12th क्लास का जो रोल नंबर है वो 2 से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये 1 और 2 डिजिट जो एक्स्ट्रा आई है वो किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए ही लिखी जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि 8 डिजिट के रोल नंबर को 7 डिजिट के प्लेस पे कैसे लिखेंगे या 7 प्लेसेस के ऊपर 8 डिजिट का रोल नंबर कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि आप किस तरह से इस 8 डिजिट के रोल नंबर को 7 प्लेसेस पे लिखेंगे। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि बोर्ड ने ही गाइडलाइन जारी करके बताया कि आपको इसको किस तरह से लिखना है, और जो बोर्ड ने बताया वही मैं आपके तक लेके आ रहा हूँ। चलिए बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल डिजिट कितने हो गई 8। अब आपके पास प्लेसेस कितने हैं, ओनली 7। तो आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है यानी कि जो 1 है वो आप उन 7 प्लेसेस के आगे लिख देंगे। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें देखिए मैंने आप अलग से कॉलम बनाया और उसके अंदर 1 लिखा है। तो आप भी क्या करेंगे कि जो बॉक्सेस हैं आपके 7 उससे आगे या तो एक बॉक्स बना लेंगे या खाली जगह में आप 1 लिख देंगे, अगर आपका रोल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो। हो सकता है कि आपका रोल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 8 डिजिट हो गई। अब इसका जो 2 है यानी सबसे आगे जो 2 आ रहा है वो आप इन 7 बॉक्सेस के आगे वाले प्लेस पे लिखेंगे, या बॉक्स बना के या फिर खाली जगह पे आप 2 लिख देंगे। साथ ही साथ आपको इन नंबर्स के नीचे जो जगह दी है उसके अंदर आपको डार्क भी करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरह से डार्क भी करेंगे सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर दिए उन नंबर के नीचे जो प्लेसेस दे रखी होती है उनको आपको डार्क भी करना है। इस तरह से अगर आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे OMR शीट पे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये गाइडलाइन बोर्ड के द्वारा ही दी गई है, तो आप इस पे यकीन कीजिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा।